हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ अग्रवाल फ्रॉम कॉमर्स वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये टॉपिक मैं सबसे एंडिंग में करा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स F.W. टेलर ने और फ्योल ने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं मैनेजमेंट को, तो आप उसकी इम्पोर्टेंस को कैसे समझेंगे, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो कितने इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। तो अगर आपको प्रिंसिपल्स नहीं पता है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके बाद ये वीडियो देखिए जिससे आपको इम्पोर्टेंस और अच्छे से समझ आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलना। चलो समझते हैं पहली इम्पॉर्टेंस से, जो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। इस पॉइंट का मतलब हुआ कि जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं मैनेजर्स को। कैसे इन्फॉर्मेशन? कि अगर एक प्रिंसिपल को हम पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करेंगे तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स को देते हैं और इस इन्फॉर्मेशन के यूज से मैनेजर्स को प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में या मैनेजरियल डिसीजंस में यूज कर सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जितने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को कुछ यूजफुल इंसाइट्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं जो मैनेजर्स अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में रियलिटी में मैनेजरियल डिसीजंस में यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज that they enable managers to learn from their past experiences and conserve time by solving recurring problems quickly. इसकी इस पॉइंट में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन, मतलब प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन है कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही ले सकते हैं, तो छोटे छोटे डिसीजंस के लिए भी एम्प्लॉयज को मैनेजर्स के पास आना पड़ेगा। तो एक सिचुएशन आती है जिसमें मैनेजर्स को एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगी, तो जिसमें मैनेजर्स को सिर्फ उस सिचुएशन में फोकस करने की जरूरत है, उस कॉम्प्लेक्सिटी में फोकस करने की जरूरत है। लेकिन हुआ क्या कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं छोटे मोटे डिसीजंस के लिए मैनेजर्स के पास आ रहे हैं, मैनेजर्स का वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है, हमारे डिसीजंस डिले हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में मैनेजर क्या कर सकते, डिसेंट्रलाइजेशन जैसे प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं, राइट? कि एक बैलेंस बना सकते हैं सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में, जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज को ये अथॉरिटी दे सकता है कुछ हद तक कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, उनको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, ताकि मैं अपना मेन फोकस उस सिचुएशन पे उस प्रॉब्लम पे दे सकूं। तो अब अगर फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम दोबारा से आती है कि जहाँ पे मैनेजर को अपना मेन फोकस उस प्रॉब्लम पे देना है, उस सिचुएशन पे देना है, तब उसे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे डिसेंट्रलाइजेशन यूज करनी है, राइट? तो उससे क्या हुआ कि मैनेजर का कितना टाइम सेव हुआ अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को समझकर। तो वो यही कह रहे हैं कि जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्प करते हैं मैनेजर्स को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से समझकर, और फ्यूचर में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम या सिचुएशन अराइज होती है तो उनको पता है कि हमें क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा उस सॉल्यूशन को सोचने में। सेकंड इम्पॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, सिंपल और हिंदी स्लैंग में बोले तो फुल पैसा वसूल। कि अगर आपको लगता है कि एक काम करने से आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आप उसे ऑप्टिमली यूज करके आप 11 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, ठीक है? तो रिसोर्सेस हमारे दो टाइप के हो जाएंगे, हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है और हमारा फिजिकल रिसोर्स भी हो सकता है, तो हमें इन दोनों को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। इससे एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हेल्प करते हैं हमारे एफर्ट सेव करने में। पहली बात तो ऑर्डर है क्या चीज, ऑर्डर प्रिंसिपल है जिसमें हम कहते हैं कि एवरीथिंग हैज अ प्लेस एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस, कि हर चीज की हर इंसान की एक जगह है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में और उस चीज को उस इंसान को उसी जगह पे होना चाहिए।
तो मेरे एफर्ट्स सेव होंगे, मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मेरे रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज होंगे। सेकेंड कहते हैं इसे रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में कहते हैं कि हमने पे करना है एम्प्लॉयज को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, हमारी पेइंग कैपेसिटी को देखकर, कॉम्पिटिटर्स को देखकर, राइट, और उनका जॉब का कैसा नेचर है, राइट, ये सब चीज़ें देख के हम उनको पैसे देंगे। तो हमने ऑप्टिमली यूटिलाइज किया ना ह्यूमन रिसोर्सेज को, कि हमने अच्छे से देखा परखा और फिर हमने अपने पैसे दिए, पैसे भी हमने अच्छे से दिए, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं हम इसमें कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्प करते हैं ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। थर्ड इम्पॉर्टेंस है साइंटिफिक डिसीजंस, कि मतलब जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्प करते हैं हमें साइंटिफिक और थॉटफुल डिसीजंस लेने में, ठीक है। अब वो कहते हैं कि लॉजिक पे जाओ, एम्फोसिस करते हैं जितने प्रिंसिपल्स लॉजिक पे, ब्लाइंड फेथ पे नहीं जाना हमें, कि हमने कोई भी काम करने से पहले सोचना है, लॉजिक लगाना है, थॉट अपना दिमाग लगाना है और साइंटिफिकली सोचना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया, ठीक है। साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब, याद है ना प्रिंसिपल, इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एग्जांपल लेते हैं, सपोज मुझे मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, तो क्या नया प्रोडक्ट ऐसे ही लॉन्च हो जाएगा कि हाँ हमने सोचो और हमने लॉन्च कर दिया कि आओ खरीदो इस प्रोडक्ट को? नहीं, हमें मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, ऐसा प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स कितने हैं मार्केट में, मेरे कॉम्पिटिटर्स की सेलिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, मैंने अपने कैसा करना है अपने प्रोडक्ट की, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, प्राइस क्या होगा, मेरे कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट से, राइट। तो ये सब चीज़ें सोच के ही हम काम करेंगे ना। तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्प करते हैं हमें साइंटिफिकली सोचने में, लॉजिकली सोचने में। फोर्थ इम्पॉर्टेंस है दैट प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, कि पहली बात मेरी बिजनेस जो है वो एक डायनेमिक एनवायरमेंट है, मेरे बिजनेस एनवायरमेंट डायनेमिक है, इट मीन्स दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब इस चेंज में अडेप्ट करने के लिए प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। पहली बात कि प्रिंसिपल्स जो है वो जनरल गाइडलाइंस है, हमने इनको अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है, जो हमें हेल्प करेगा इन चेंजेस में अडाप्ट करने के। इसके एग्जांपल लेते हैं, आजकल थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग का बहुत चलता है, राइट, आजकल थर्ड पार्टीज और आउटसोर्सिंग जो है वो कॉमन हो गया है। तो हम इधर ले सकते हैं प्रिंसिपल डिविजन ऑफ वर्क, जिसमें मैं अपनी एक्टिविटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ, पहला है कोर एक्टिविटीज और दूसरा है नॉन कोर एक्टिविटीज। तो ये कोर एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हुई जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की मेन एक्टिविटीज है या जिस पे मुझे सबसे ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, और ये एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो रोज होती हैं और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि इंस्टॉलेशन हो गया, रिपेयर्स हो गया। तो हम कह रहे हैं कि जो कोर एक्टिविटीज हैं उस पर आप फोकस करो और नॉन कोर एक्टिविटीज को थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग पे दे दो, मतलब कि किसी बाहर वाली पार्टी से हमें काम कराएंगे, आउटसोर्स करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो मेरा मेन काम है, जो मेरी मेन एक्टिविटीज है, मैं उस पर फोकस कर सकता हूँ। फिफ्थ इम्पॉर्टेंस है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, वो सोसाइटी में ही रहती है, उनकी ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्जेक्टिव भी होता है कि हमने अपनी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। उसी तरीके से प्रिंसिपल्स भी हेल्प करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इक्विटी का, जैसे इक्विटी में, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में हम कहते हैं इक्वल वेजेस देना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। किसी को किसी के भी बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, बैकग्राउंड के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, ये भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही कह रहे हैं कि प्रिंसिपल्स जो है वो हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में भी हेल्प करती है। सिक्स्थ है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एडुकेशन एंड रिसर्च, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी हेल्प करती है, एडुकेशन में भी हेल्प करती है और रिसर्च में भी हेल्प करती है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में कैसे,
जब भी हमारी एंट्रेंस होती है किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, तो वो ऐसे ही एम्प्लॉयज को नहीं ले लेंगे, उनको ट्रेन भी करेंगे। तो ये ट्रेनिंग जो है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बेसिस में होती है कि कैसे हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में, मैनेजरियल डिसीजंस में अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है एजुकेशन। एजुकेशन अब बहुत सारी कोर्सेज हैं, डिग्रीज हैं, फिर बैचलर्स डिग्री हैं, डिप्लोमास होते हैं मैनेजमेंट में, जैसे MBA, BBA, PG, DDM, ये सब, ठीक है। थर्ड है रिसर्च। हम रिसर्च भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं रिसर्च करने में, फर्दर रिसर्च करने में, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, या मुझे मार्केट रिसर्च करने में मैनेजमेंट प्रिंसिपल की हेल्प से कर सकता हूँ, तो इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो ये थे 6 इम्पॉर्टेंस जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। इस टॉपिक को अब हम एंड करेंगे एक केस स्टडी सॉल्व करके। ये केस स्टडी यहाँ पे मैंने लिखी है। हमने इस केस स्टडी में बताना है कि कौन से इम्पॉर्टेंट के पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, ठीक है। अब इस केस स्टडी को हम कैसे पढ़ेंगे, केस स्टडी को हम पढ़ेंगे वन बाय वन कामली, और जो भी हमें लगता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इम्पॉर्टेंट लाइन है, उसे हम अंडरलाइन करें। स्टार्ट करते हैं। कोना कंस्ट्रक्शन इज अ वेल नोन फर्म, इट हैज मेनी एम्प्लॉयज। एक वेल नोन फर्म है कोना कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे एम्प्लॉयज है उसमें। दिस ग्रुप टेक्स डिसीजन आफ्टर मेकिंग थॉटफुल डिसीजंस रिलेटेड टू फ्यूचर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये ग्रुप कोई भी डिसीजन लेने से पहले थॉटफुल डिसीजंस लेता है, डिस्कशंस करते हैं, और फिर वो एक डिसीजन पे आते हैं। कंपनी वॉन्ट्स टू कम्पीट विद कॉम्पिटिटर्स, फॉर दिस दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट्स एम्प्लॉयज। कह रहे हैं कि कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर्स का कम्पीट करना है, और उसके लिए उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग विच एजुकेट देम अबाउट द चेंजिंग सिचुएशंस एट ग्लोबल लेवल। तो ये पूरा लाइन, और इधर भी ये लाइन। तो ये लाइन जो है, दिस ग्रुप टेक्स डिसीजन आफ्टर थॉटफुल डिसीजंस, ये कौन सा पॉइंट हाईलाइट कर रही है एग्जैक्टली, जो आपने सोचा, दैट इज साइंटिफिक डिसीजंस, राइट, करेक्ट। और लास्ट जो है, एम्प्लॉय थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग, वेरी क्लियर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन ट्रेनिंग, एडुकेशन एंड रिसर्च।